Welcome to Automation Desk. Please like and subscribe for get more informative videos related to inverter and PLC programming. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। व्यूअर्स, आज का हमारा जो टॉपिक है, इसके अंदर हम देखेंगे कि जो हमारा VFD होता है, इसके अंदर हम मोटर जो है उसके पैरामीटर्स किस तरह से ऐड करते हैं और कौन कौन से ज़रूरी पैरामीटर्स हैं जो VFD को चलाने के लिए, मोटर के जो पैरामीटर हैं वो VFD को चलाने के लिए जो ऐड करने की ज़रूरत होती है। सबसे पहले जो देखें, ग्रुप मोटर 1 है जी, P02 ग्रुप है। रेटेड पावर ऑफ द मोटर, यानी हमारे पास जो मोटर है वो कितने किलोवाट की है, ये हमने VFD को बताना है जी। और अगर हम ये नहीं बताएंगे तो जाहिर है VFD हमारा फिर सेफ तरीके से नहीं चलेगा, मोटर की ट्रिपिंग नहीं होगी। नेक्स्ट है जी रेटेड फ्रीक्वेंसी, यानी मोटर जो है वो कितनी फ्रीक्वेंसी की है, वो ये डाटा सारा हमें मोटर की नेम प्लेट से मिलेगा। उसके बाद रेटेड स्पीड ऑफ मोटर, यानी हमारी मोटर जो है वो कितने RPM पे है, ये 1 से लेके 3600 तक मैक्सिमम RPM की जो मोटर है उसको ये सपोर्ट करता है। उसके बाद रेटेड वोल्टेज कितने हैं हमारी मोटर के, ये सारा डाटा जो है जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है ये आपको मोटर की नेम प्लेट से मिलेगा। कोई भी मोटर उसकी नेम प्लेट पे ये डाटा अवेलेबल होता है, वहां से देख के हमने ये जो डाटा है वो इस VFD के अंदर लाजमी एड अप करना है। ये मोटर की सेफ्टी और VFD की सेफ्टी के लिए जरूरी है। अब ये पैरामीटर्स हमने ऐड कहाँ से करने हैं, वहां पे चलते हैं। तो जिस तरह मैंने अभी आपको मैनुअल में बताया, P02 यानी ग्रुप जो है वो हम चेंज करेंगे। सबसे पहले P02 पहला पैरामीटर है P02.1। तो ये देखें जी 4 किलोवाट सेट हुआ है। एक्चुअली ये VFD जो है ये 4 किलोवाट का है, तो इसके ऊपर अगर हमने कम साइज की मोटर चलानी है 3 किलोवाट की या 3.75 की तो हम चला सकते हैं, ठीक है जी। तो बाय डिफॉल्ट ये 4 सेट हुआ है, यहाँ से आप इसके किलोवाट चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट पैरामीटर है P02 रेटेड फ्रीक्वेंसी का। तो नॉर्मली हमारी मोटर्स जितनी भी यूज होती हैं उनकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ होती है, तो इसको हम 50 ही रहने देंगे। नेक्स्ट P02.03 है, इसको डाटा एंटर करेंगे, ये हमारे मोटर के RPM आ रहे हैं कि जो मोटर हमने VFD से कनेक्ट करनी है वो कितने RPM की होगी। तो ये 1430 है, ये 3600 तक हमारे पास इसके अंदर क्वेश्चन अवेलेबल है। ये डिफरेंट हमारे पास स्पीड की मोटर्स हैं, 950 होती है, 1400 होती है, ठीक है जी, 2800, 3600। तो जो मोटर हमारे पास अवेलेबल होगी उसकी नेम प्लेट से हम RPM देख के यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास वोल्टेज, कि हमारे मोटर के वोल्टेज कितने हैं वो हमने यहाँ पे ऐड करने हैं। ये नॉर्मली 380 होते हैं, इसको भी हम ऐसे ही रहने देंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो पैरामीटर है ये है रेटेड करंट का, यानी हमारी जो मोटर है उसका रेटेड करंट क्या है, वो कितने एम्पेयर मैक्सिमम जो है वो ले सकती है। तो यहाँ पे हमने इसके एम्पेयर जो है वो लाजमी सेट करने होते हैं। तो 4 किलोवाट की मोटर का जो मैक्सिमम लोड होता है वो 8 एम्पेयर होता है, इसलिए यहाँ पे 8 एम्पेयर सेट है। और अगर हमारी मोटर छोटी होगी तो हम इसको यहाँ पे एम्पेयर कम करके सेट करेंगे मोटर के किलोवाट्स जो है उनको देखते हुए। तो ये है जी मोटर का नेम प्लेट का डाटा ऐड करने का मेथड हमारा जो GT200 है उसके अंदर। तो इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।